सितंबर 2014, इंदौर वन्य प्राणी संग्रहालय में शिवानी नाम की बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया। अनफॉर्चुनेटली 2 कब को ज्यादा सिक्योरिटी मेजर अडॉप्ट करने के कारण उनकी डेथ हो गई थी, और शायद कहीं उसे इनसिक्योरिटी फील हुई एंक्लोजर के अंदर, जिस कारण वो मुंह में लगा के करीब मुंह में दबा के करीब 1 घंटे तक घूमती रही, जिसके कारण 2 कब की डेथ हो गई थी। अब 4 में से एक ही शावक जिंदा बचा था। जब भारत के जंगलों में सिर्फ 1411 बाघ ही बचे हों, इस शावक की जान बेशकीमती थी। इस कब को भी उसने उठा लिया था, इंजरी इसको भी काफी थी। सेमले हमने उसको भी वहां से रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल लेके आए। शावक को बाहर निकालना ही समस्या का अंत नहीं था। नवजात शावक को जिंदा रहने के लिए माँ के दूध की भी जरूरत थी। परेशानी ये थी कि माँ का दूध कहाँ से लाया जाए जिसमें वो तत्व मौजूद हों जिनकी उसे जरूरत थी। फर्स्ट डे तो हम लोगों ने जैसे कुछ भी मैनेज करके उसको जो गाय का दूध था थोड़ा सा कॉटन के थ्रू हम लोगों ने उसको पिलाने की कोशिश की। नेक्स्ट डे हम लोगों ने तलाश की कि इसको वही मिल्क दिया जाए जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो। अब शुरू हुई नन्हे शावक के लिए ढाई माँ की तलाश। इसके लिए फिर हमने एक बकरी ढूंढी जो ताजा जनी हो, एक आध दिन में उसके आसपास उसने बर्थ दी हो, बच्चे दिए हो। बाघ के बच्चे के लिए बकरी का दूध, शिकारी अपने शिकार के साथ दूध का रिश्ता बनाने वाला था। ये कुदरत के उसूलों के खिलाफ था, पर इंसान की मेहनत ने कुदरत के नियमों को उलट दिया। राकेश यादव करके आएगा, वो अपने टच में आएगा, दोस्त अपना वो, तो वो लेना आया था एक बार पहले भी, तो उसके एक बकरी दी और ये भी दी अपन ने। और अगर शेर का बच्चा जीता है तो अपने को बहुत अच्छी खुशी लगेगी, गांव में बाजारों में सबको खुशी लगेगी। नन्हे शावक को बकरी का दूध बोतल से पिलाया जाने लगा, लेकिन इसमें संक्रमण का खतरा था। ये डर सता रहा था। फिर हमने प्लान किया कि क्यों ना इसको इस तरह की व्यवस्था की जाए कि जो कंटेमिनेशन होता है बॉटल का, इस कंटेमिनेशन को हमें किसी भी तरह से जीरो लेवल पर लेके जाए। इसके तहत हमने प्लान किया कि एक बीच की व्यवस्था की जाए। उसकी फिर हम लोगों ने सर्च की, तीनों हॉस्पिटलों में इंफॉर्मेशन दी, जो हमारे डॉग ब्रीडर थे अलग अलग एरियाज में दौर के, उनको भी हम लोगों ने खबर की कि ऐसे बीच की व्यवस्था हो, वो भी लेबराडोर की व्यवस्था हो जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया। इंदौर के मुकेश जोशी की लेबराडोर बनी बाघ शावक की दूसरी धायमा। पहले दिन मैंने थोड़ा सा उसको हाथ रख के हाथ पे फूडिंग कराया था बच्चे को, और दूसरे दिन से उसने मतलब उस बच्चे को, टाइगर के बच्चे को, वाइट टाइगर के बच्चे को उसने खुद ने अपना लिया, और उसको पूरी तरीके से जिस तरीके से बीच अपने बच्चे को पालती है उसी हिसाब से उसने उसको पाला पोसा, बड़ा कर दिया। कड़ी मेहनत और तनाव भरे 17 दिनों के बाद डॉक्टर उत्तम यादव और उनकी टीम ने राहत की सांस ली। कुछ समय तो उसने मिल्क पिया, यह हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता थी। अब उम्मीद हमारे यहाँ से जल गई थी, हम लोग किसी तरह से अब टाइगर को बचा लेंगे और इसको किसी तरह से मैनेज कर लेंगे।
टाइगर ये आज की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार के स्तर के ऊपर जो प्राणी विज्ञान के एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, इसमें अभिवृद्धि होना चाहिए सरकार के स्तर के ऊपर भी, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। और ये कैसे टाइगर हमारे यहाँ पे बढ़े, इसमें जितने प्रोजेक्ट चलाए जाए मैं समझता हूँ उसकी आवश्यकता है। ये जो अभियान या प्रशिक्षण या लोगों को जागरूक करने का काम ये टाइगर लाइन द्वारा जो चलाया जा रहा है, निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है। और मैं समझता हूँ कि जैसे इंदौर की ये घटना हुई, ये लोगों के सामने जाएगी तो एक इसमें से दिशा जरूर बाकी लोगों को भी मिलने का काम हो सकेगा। मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए डिफरेंट सेंचुरीज में जा जाके जो अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें जंगल को बचाओ, जंगल को बचाने के साथ साथ वहाँ के रहने वाले जो ट्राइब्स हैं उनको एजुकेट करो ताकि पोचर का किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट ना हो। और इसी की तरह जो हम चाहते हैं कि इसमें जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें बिग टाइकूंस हैं बड़े इंडस्ट्री, उनको भी कहीं ना कहीं अपना इसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, टाइगर प्रोजेक्ट में, सेव टाइगर प्रोजेक्ट में, और यही जो हम लोग काम कर रहे हैं जैसे कि टाइगर डायरी काम कर रही, तो ये चीज़ें और लोगों के लिए इंस्पायर करेगी, उन लोगों को प्रेरणा देगी कि अगर ये काम कर रहे हैं सेव टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर तो दूसरे लोगों को भी काम करने को एक प्रेरणा उनसे मिलेगी। तो मुझे अच्छा लगा कि टाइगर डायरी इस तरह का एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है जिसमें जो टाइगर इंस्टिंक्ट होते जा रहे हैं, जो विलुप्त होने वाली प्रजाति है उसके बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को वाइल्ड लाइफ के फील्ड में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के लिए जो पहल की है बिल्कुल सराहनीय काम है और ऐसे प्रोजेक्ट को जुड़ना चाहिए। लक्की को बचा लिया गया। अब लक्की 3 महीने का हो गया है। लक्की सिर्फ एक शावक का नाम नहीं है, लक्की नाम है एक उम्मीद का। टाइगर कंजर्वेशन और इस तरह अपने जंगल, अपने पर्यावरण और खुद को बचाए रखने की उम्मीद का, लक्की उन कोशिशों का भी नाम है जो इंसानी लालच का शिकार हुए बाघों की मौत के प्रायश्चित के लिए हमें करना होगी।